यार चलिए मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि दुनिया की सबसे स्वच्छ कंट्री यानी कि सबसे अच्छी कंट्री कौन सी ऐसी है। जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा टाइटल और थंबनेल में, ये है कुवैत। जैसा कि आप लोग को पता है छोटी सी कंट्री है, लेकिन यहाँ पे लाखों जावे करोड़ों जावे हैं और ये छोटी सी कंट्री में लोग पैसा कमा कर अपना फ्यूचर बनाते रहते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये बस है, ये कुवैत सिटी की बस है, केजीएल वगैरह जो होती हैं। और ये मैं कुवैत सिटी के पास ही हूँ एकदम, आप लोग देख सकते हो सिग्नल भी है यहाँ पर जो कि खुल रहा है, बंद हो रहा है। और आप लोग देख सकते हो सामने पूरा मुर्गा बेरिया है और यहाँ पे राइट में जो कि है सर्क और आपस में दोनों जुड़े हुए हैं। आप लोग देख सकते हो ये है दुनिया की नंबर वन कंट्री पैसा के मामले में और यानी कि सफाई के मामले में। यहाँ जब भी आप लोग आओगे ना, आप लोग को पता चलेगा कि भाई यहाँ पर कोई भी कचरा वगैरह ज़्यादा रोड पर नहीं रहता है जैसे कि दूसरे कंट्री में होता है। आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छे से यहाँ पर सजाया गया है पेड़ पौधा और यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह होती हैं। आप लोग को ज़मीन पर यह सब कोई भी सामान देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि कचरा वगैरह। और आप लोग ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे रोड पे कितनी सफाई होती है, यहाँ पे कोई भी बंदा एक भी कागज़ का टुकड़ा नहीं फेंकता ज़मीन वगैरह पे। आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग देखना तो बताना एक बार कमेंट करके। देख सकते हो पूरा रोड क्लियर है और यहाँ पे हाईवे रोड है जो कि सिटी के अंदर का रोड है और यहाँ पर बस स्टॉप के लिए छोटा छोटा यानी कि मड़ई की तरह जैसे कि एक बनाया जाता है ना, ताकि अगर बारिश वगैरह हो तो बंदे वहाँ पर रुक सकें। और आप लोग देख सकते हो कितनी स्पीड से यहाँ पर गाड़ी वगैरह आ रही हैं और सामने चार सिग्नल है, तो हमें अभी क्रॉस करना है रोड को। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे, उस साइड में चल के दिखाता हूँ आप लोग को। और यहाँ पे पीछे मस्जिद है, आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ, सामने देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे बैंक वगैरह भी है, बड़े बड़े बैंक होते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर काम करना चाहते हो बैंक वगैरह में तो आप लोग इजीली से यहाँ पर जा पा सकते हो, बस आप लोग को सून वीजा चाहिए। और यहाँ पे खादी वगैरह वीजा को नहीं रखते हैं। चलिए मैं आप लोग को और आगे चल के दिखाता हूँ यहाँ पर लोग किस तरीके से आते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे आज फ्राइडे दिन था तो मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ काम से और मैंने सोचा कि मैं आप लोग को लिए कुछ दिखा देता हूँ व्यू, ताकि आप लोग को पता चले कि भाई कुवैत भी एक कंट्री है। जैसा कि बहुत से लोग को पता नहीं कुवैत एक छोटी मोटी कंट्री, ऐसा नहीं है। कुवैत तो छोटी कंट्री है लेकिन मोटी कंट्री है। मोटी यानी कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैसा की कमाई होती है, मोटी रकम। आप लोग को बताना चाहता हूँ यहाँ पर बहुत से भाई लोग हमारे हैं इंडिया के जो महीने में 2 लाख या 4 लाख रुपया कमाते हैं, तो लेकिन आप लोग कोई बताने वाला नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट में पार्क है, आप लोग देख सकते हो राइट में नीचे पार्क है, वहाँ पे जैसे कि फैमिली वगैरह लोग आते हैं और वहाँ पे फंक्शन वगैरह भी होता है। और यहाँ पे सामने या और मैं सामने आगे चलूँगा ना, वहाँ पे आपको मुबारकिया मार्केट दिखाई पड़ेगी जिसको बोलते हैं ईरानी मार्केट, और उसके पीछे है बुढ़ी मार्केट। और यहाँ पर आपको ज़्यादातर बिल्डिंगें मिलेंगी गिलास वगैरह की। अगर आप लोग कुवैत में आओगे तो आप लोग को ज़्यादातर बिल्डिंगें बड़ी बड़ी, यहाँ पर हमरा टावर भी है और भी बड़े बड़े टावर हैं यहाँ पर। तो सामने देख सकते हो बिल्डिंग है जो वहाँ पर कुछ कंपनी का प्रचार एड वगैरह चल रहा है। और जब भी आप लोग कुवैत में आओगे ना, आप लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ज़्यादातर बिल्डिंगें 99% आपको गिलास वगैरह की बिल्डिंगें मिलेंगी, क्योंकि खूबसूरती के लिए ना ये बिल्डिंग इस तरह से बनाई जाती हैं। बाकी सामने से आप लोग देख सकते हो बस आ रही है सिटी की और यहाँ पे टैक्सी वगैरह भी चल रही हैं। तो गैस अगर आप लोग कुवैत में आते हो तो आप लोग प्लीज़ बस से सफ़र कीजिए, क्योंकि बस का सफ़र थोड़ा सस्ता होता है। और अगर आप लोग को ज़्यादा मज़ा लेना है तो, और अगर आप लोग कम मज़ा लेना चाहते हो और ज़्यादा यानी कि कम टाइम में पहुँचना चाहते हो तो आप लोग टैक्सी का यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं ज़्यादातर यूज़ यानी कि मैं टैक्सी वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है। तो बस मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि ये सिटी का नज़ारा कैसा है। और सामने आ रहा है जो कि सामने आ रहा है मुबारकिया मार्केट, और धीरे धीरे कदमों से हम जा रहे हैं। आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पर रोड के देख सकते हो डबल रोड है, तो अभी मैं साइड में जा रहा हूँ पैदल से, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी बहुत ही तेज़ आती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो आप लोग को मैं दिखाना चाहता था कि सिटी में आया था इस वजह से कि यहाँ पे कुछ मुझे काम है और यहाँ पे कुछ सामान भी ख़रीदना मुझे। और फिर हम लोग कंपनी में यहाँ पे जॉब करते हैं ना, हफ्ता में एक ही छुट्टी मिलती है। और यहाँ पे जुमा का दिन है, सुबह लगभग 7:30 बज रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग की छुट्टी होती है, सब लोग रूम में सोते हैं। और हाँ, यहाँ पर सामने देख सकते हो पूरी बिल्डिंग वगैरह हैं और यहाँ पर कुछ पेड़ है जो कि खूबसूरती का नज़ारा बढ़ा देते हैं उस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे सिटी में बहुत ही कम पेड़ मिलते हैं छोटे मोटे, लेकिन यहाँ पे जहाँ भी पेड़ रहेंगे ना वहाँ पे एकदम सजावट सी रहती है, अच्छा लगता है। और यहाँ पे देख सकते हो सामने बैंक है, और यहाँ पे थोड़ी दूर पे यहाँ पे एक अलगानम है। और आप लोग देख सकते हो कितनी ऊंची बिल्डिंग है यार, ये देख सकते हो ऊपर तक देखते रहो यार, बिल्डिंग ख़त्म ही नहीं होती है। और यहाँ पर सामने भी बैंक है, दूसरा बैंक है, और वहाँ पर एक पार्किंग स्टैंड है बहुत ही बड़ा। अगर आप लोग कभी भी सिटी में आना तो आप लोग 100 फ्लिस पर यानी कि पर आवर आप लोग गाड़ी खड़ी कर सकते हो, अगर आप लोग को पार्किंग नहीं मिलती है तो कहीं पे। यहाँ पे नीचे एक पार्किंग है छोटी सी, यानी कि बहुत ही बड़ी नहीं है, आप लोग इधर ही गाड़ी अपनी खड़ी कर सकते हो। और यहाँ पर बिल्डिंग देख सकते हो कितनी ऊँची ऊँची बिल्डिंग है भाई, ऊपर तो ताकते रहो तो यार ताकते ही रह जाएंगे। और यहाँ पर बस आ रही हैं बहुत ही ज़्यादा आज, क्योंकि जुमा दिन है ना, तो आज काफ़ी ज़्यादा बस चलती है सिटी की, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं सिटी से, यानी कि बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे कि ओफरा और अब्दली और भी एरिया हैं जो कि सऊदी बॉर्डर का और
बहुत दूर दूर से भाई मजरा में काम करते हैं ना, तो ये लोग आ जाते हैं सिटी में, तो सिटी वगैरह में उनके दोस्त यार आते हैं तो मिलते रहते हैं, अपनी हाल चाल देते रहते हैं। आप लोग देख सकते हो कितनी बड़ी सी बिल्डिंग है, और यहाँ पे भी हमारे भाई लोग इंडिया वाले भी हैं, काम करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे भाई लोग जितने भी होते हैं ना, हर कंट्री में हर जगह पे बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी हैं, ऐसा नहीं कि हमारे भाई लोग नहीं हैं। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बस रुक चुकी है, वहाँ यहाँ पे बस स्टॉप है। और चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पे फैमिली कोर्ट है, अगर आप लोग कुछ प्रॉब्लम होती है फैमिली वगैरह द्वारा, आप लोग इजीली यहाँ पे कोर्ट में जा सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है महकमा, यानी कि महकमा यानी कि कोर्ट वगैरह होता है। और यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेट पार्किंग है, अगर आप लोग यहाँ पे खड़ी करोगे ना अपनी गाड़ी वगैरह तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्लीज़ आप लोग गाड़ी वगैरह यहाँ पे मत खड़ी करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्राइवेट पार्किंग होती है, जैसे कि उनकी खास, यानी कि कोई दूसरा बंदा यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता है, क्योंकि उनकी बिल्डिंग होती है, उन्हीं के लोग गाड़ी खड़ी करेंगे नीचे, ना कि कोई पराए लोग, ना कि कोई दूसरे लोग। और देख सकते हो आप लोग यहाँ पे रोड के किनारे किनारे से यहाँ पे पैदल जाने के लिए रास्ता बनाया गया है, ताकि अगर कोई बंदा पैदल जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे कभी भी आप लोग कोई छोटी सी गलती नहीं करनी है, रोड के बीच में से कभी भी क्रॉस नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आती है, और रोड भी छोटा है, और दो तरफ का रोड है, ऐसा नहीं कि आप लोग एक तरफ से जाओगे फिर एक्सीडेंट होने बच जाए, हो सकता है गाड़ी आगे से आए। तो आप लोग प्लीज़ यार, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, कभी भी आप लोग रोड के बीच में से क्रॉस मत होना, क्योंकि आपको काफ़ी फाइन पड़ सकती है और प्रॉब्लम भी हो सकती है। और अभी यहाँ पे सुबह है ना, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ज़्यादा गाड़ी नहीं आ रही है। आप लोग देख ही सकते हो काफ़ी अच्छा सा नज़ारा है और काफ़ी अच्छा सा व्यू है। और आप लोग एक बार कमेंट करना भाई ये वीडियो कैसी थी, एक बार ज़रूर कमेंट कर देना, क्योंकि ये वीडियो मैं काफ़ी मेहनत से बना पा रहा हूँ। और यहाँ पे थोड़ा मुझे प्रॉब्लम भी हो गई थी, सिक्योरिटी वाले ने मुझे पकड़ भी लिया था कि ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, तो मैंने उसको बताया कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ, तो बस मैं यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ अपने भाई लोग के लिए, जितने भी भाई हमारे हमें प्यार करते हैं, हमें देखते हैं, तो उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि भाई आप लोग हमारी वीडियो को देखते हो। मैं कुवैत में रहता हूँ, और जितने भी हमारे कुवैत में आना चाहते हैं, ताकि उनको पता चले कि कुवैत में कैसे क्या रहता है, कुवैत में लोग कैसे रहते हैं, कुवैत में कैसे जॉब करते हैं, कुवैत में कैसे छुट्टी के दिन जाती हैं, और कैसे लोग यहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं। और आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर बसें डबल माला, और मैं तो पहली बार गया था ना जब डबल माला बस पे, जैसे कि डबल सेकंड फ्लोर, तो थोड़ा डर लगता है, क्योंकि उसमें जैसे कि थोड़ा अलग सा फील होता है कि भाई कहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं। तो बहरहाल धीरे धीरे आदत हो गई थी, तो अभी मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ यही डबल वाली जो गाड़ी होती है बस। और आप लोग देख सकते हो सामने यहाँ पे वतनिया आने वाली है कुछ ही दूर बाद, तो चलिए मैं आप लोग को फिर से एक बार दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा सा व्यू है, जो कि घास वगैरह लगाई गई है, पेड़ वगैरह, कितना अच्छा सा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है यार, क्या व्यू है आप लोग देख सकते हो यार। और यहाँ पे देख सकते हो सामने महकमा कोर्ट आने वाला है सामने, तो चलिए हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं, थोड़ा यहाँ पे मुड़ जाते हैं, यानी कि सीधा जहाँ पे वतनिया मार्केट है वहाँ की तरफ मुड़ते हैं, तो वहाँ पे मुझे और कुछ काम है, तो सामान लेना है, तो सामान लेकर फिर चलते हैं रूम पर। और आप लोग देख सकते हो पहाड़ी में पहुँचने वाला हूँ, और यहाँ पर एक पार्किंग है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के लिए, यानी कि इतनी जैसा कि वो देख सकते हैं पाइप ना, उसी के नीचे जितनी छोटी गाड़ी रहेगी ना, वही अंदर जाने की लाव है, यानी कि बड़ी गाड़ी अंदर जाने की लाव नहीं है। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पे अलविदा कहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लाइक करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह वीडियो अपने चैनल पे मैं अपलोड